तो रुक करते तमाम बड़ी खबरों के साथ, जहां खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन निर्वाचन आयोग से मिला है और निर्वाचन आयोग से तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी बात रखी है, जिसमें एसएसपी और जिला अधिकारी को हटाने की मांग की है ताकि चुनाव बिना किसी दबाव और पक्षपात के हो सके। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अविनाश ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और चौधरी से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिलने हैं, सर किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहां पर आए हैं डेलीगेशन? समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से मिलने के लिए आए हैं और उन्हें ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने कहा है कि जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र जो इटावा जनपद में आता है, वहाँ इटावा के जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार दबाव बना रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोट डलवाइए। वहाँ के ब्लॉक प्रमुख, वहाँ के गांव के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य वगैरह, उन सब के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है। हमने कहा है ये निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए, चुनाव की निर्भीकता के साथ स्वतंत्र चुनाव हो, इसकी व्यवस्था निर्वाचन आयोग। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिलने आया था, साफ तौर पर इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से तमाम अधिकारियों को हटाने की बात की थी ताकि जो जसवंत नगर हो या मैनपुरी में जो उपचुनाव होने उसको प्रभावित कर सकते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज़ लखनऊ।